मुख्तार के खौफिस्तान पर खुलासा, खौफ के बल पर खड़ा किया साम्राज्य, डरा धमका कर दौलत का जहां बनाया, कौड़ियों के दाम खरीदी करोड़ों की जमीन। मुख्तार अंसारी एक नाम नहीं, क्राइम की पूरी कथा है। ये माफिया पिछले कई सालों से जेल के पीछे सड़ रहा है। 60 से ज्यादा मर्डर, किडनैपिंग और वसूली के मामले उस पर दर्ज हैं। माफिया की क्राइम कथा का ये वो हिस्सा है जो क्राइम रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन इस जुर्मबाज की क्राइम कुंडली इससे कहीं लंबी है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। इसका सबूत अब ईडी के। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। दस्तावेज दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में खुलासा, कौड़ियों के दाम में मुख्तार ने खरीदी जमीन, 10 जमीनों की रजिस्ट्री की जांच में खुलासा, गाजीपुर, मऊ, उरई की जमीनों को लेकर हुआ खुलासा, किसानों मजलूमों को डरा धमका कर जमीनें खरीदी गई, सर्किल रेट से आधे से कम दाम पर जमीनें खरीदी गई, पत्नी अफसा बेटे अब्बास के नाम पर जमीनें खरीदी, कुछ प्रॉपर्टी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम कराई। ईडी की टीम जल्दी ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी ने एक बार फिर शिकंजा कर दिया है। मऊ उरई समेत कई जगहों पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुख्तार ने खरीदी थी। ईडी इसके पहले उनके साले सरजील रजा और उनकी पत्नी पर शिकंजा कस चुकी है। कहा जा रहा है ईडी जल्द ही इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद एक बार फिर माफिया मुख्तार और उनके करीबी और परिवार के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ईडी लगातार मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि योगी राज आने के बाद मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके तमाम कारोबार खत्म हो गए हैं और करीबियों पर भी लगातार हंटर चल रहा है। पुराने सभी मामलों की फाइलें खुल रही हैं और माफिया एंड फैमिली छटपटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्तार के खौफिस्तान पर खुलासा, खौफ के बल पर खड़ा। पत्नी अफसा बेटे अब्बास के नाम पर जमीनें खरीदी, कुछ प्रॉपर्टी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम कराई। ईडी की टीम जल्दी ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी ने एक बार फिर शिकंजा कर दिया है। मऊ उरई समेत कई जगहों पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुख्तार ने खरीदी थी। ईडी इसके पहले उनके साले सरजील रजा और उनकी पत्नी पर शिकंजा कस चुकी है। कहा जा रहा है ईडी जल्द ही इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसके बाद एक बार फिर माफिया मुख्तार और उनके करीबी और परिवार के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। ईडी लगातार मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि योगी राज आने के बाद मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उसके तमाम कारोबार खत्म हो गए हैं और करीबियों पर भी लगातार हंटर चल रहा है। पुराने सभी मामलों की फाइलें खुल रही हैं और माफिया एंड फैमिली छटपटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।